स्वागत है आपका आज के एपिसोड में चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ प्रश्न था प्रश्नकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने के लिए समर्पित होता है और उस घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है दो, दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल के संचालन के संबंध में अंतिम प्राधिकारी होते हैं तीन तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ए केवल एक बी केवल दो और तीन सी एक दो और तीन डी केवल एक और दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी केवल एक और दो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को प्रश्नकाल आमतौर पर लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने के लिए समर्पित होता है और इस घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है अतः कथन एक सही है हालांकि वर्ष 2014 में राज्यसभा में प्रश्नकाल को सुबह ग्यारह बजे से दोपहर बारह बजे तक कर दिया गया था इसे संसदीय नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा पीठा के पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल के संचालन के संबंध में अंतिम प्राधिकारी होते हैं अतः कथन दो सही है तारांकित प्रश्न तारांकन द्वारा प्रतिष्ठित के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं अतः कथन तीन सही नहीं है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक भारतीय युद्ध बंदियों यानी पीओडब्ल्यू से एक सेना बनाने का विचार मूल रूप से मोहन सिंह का था दो उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस आई के सुप्रीम कमांडर बने तीन बहादुर ग्रुप के कर्नल मलिक ने पहली बार मणिपुर की मोईरांग में भारतीय मुख्य भूमि पर आई एन ए ध्वज फहराया उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ए केवल एक बी केवल दो सी सभी तीन डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन चले देखते हैं इसके विश्लेषण को भारतीय राष्ट्रीय सेना भारतीय युद्धबंदियों से एक सेना बनाने का विचार मूल रूप से मोहन सिंह का था अतः कथन एक सही है 1943 में सुभाष चंद्र बोस आई के सुप्रीम कमांडर बने अतः कथन दो सही है सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के साथ सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के लिए अनंतिम सरकार का गठन किया बहादुर समूह के कर्नल मलिक ने पहली बार मणिपुर के मोईरांग में भारतीय मुख्य भूमि पर आई ध्वज फहराया अत कथन तीन सही है अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक भारत में नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है संसद ने भारत में नागरिकता के मामलों को विनियमित करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया तीन नागरिकता अधिनियम 1955 को इसके लागू होने के बाद से केवल एक बार संशोधित किया गया है उपयुक्त में से कितने कथन सही है या सही है ए केवल एक बी केवल दो सी सभी तीन डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को भारतीय नागरिकता नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच की कानूनी स्थिति एवं संबंध को दर्शाती है जिसमें विशिष्ट अधिकार व कर्तव्य शामिल होते हैं भारत में नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है तथा इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है अतः कथन एक सही है संसद ने भारत में नागरिकता के मामलों को विनियमित करने के लिए नागरिकता अधिनियम उन्नीस लागू किया अतः कथन दो सही है नागरिकता अधिनियम 1955 को इसके लागू होने के बाद से छह बार संशोधित किया गया है यह संशोधन वर्ष उन्नीस सौ छियासी उन्नीस सौ बानवे दो हजार तीन दो हजार पांच दो हजार पंद्रह और दो हजार उन्नीस में किए गए थे अतः कथन तीन सही नहीं है अगला प्रश्न है मलक्का जल डमरू मध्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह अंडमान सागर हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर यानी प्रशांत महासागर को जोड़ता है दो अंडोमान और निकोबार कमांड यानी एएनसी की स्थापना वर्ष 2001 में दक्षिण पूर्व एशिया एवं मलक्का में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए की गई थी उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों डी न तो एक और न ही दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो, दो दोनों चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को मलक्का जलडम्ब्रु मध्य अंडमान सागर हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है यह पश्चिमी सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीप एवं पूर्व में प्रायद्वीपी पश्चिम मलेशिया तथा दक्षिणी थाईलैंड के बीच स्थित है अतः कथन एक सही है अंडमान और निकोबार कमांड की स्थापना वर्ष 2001 में दक्षिण पूर्व एशिया एवं मलक्का जलडम्ब्रु मध्य में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए द्वीपों में सैन्य संपत्तियों की तेजी से तैनाती को बढ़ाकर की गई थी अतः कथन दो सही है अगला प्रश्न है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे भारत में हीट वेव घोषित करने के लिए मानदंड जारी किए हैं दो हीट वेव तब मानी जाती है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है हाल ही में आईएमडी ने हीट इंडेक्स पेश किया यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव को प्रदर्शित करता है में से कितने कथन सही है या सही सही ए केवल एक, केवल बी सी सभी डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को हीट वेव यह गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है जो मानव स्वास्थ्य पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे भारत में हीटवेव घोषित करने के लिए मानदंड जारी किए हैं अतः कथन एक सही है भारत में हीटवेव घोषित करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानदंड यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम चालीस डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम तीस डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है तो इसे वेव की स्थिति माना जाता है अतः कथन दो सही नहीं है हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हीट इंडेक्स के रूप में एक महत्वपूर्ण उपकरण पेश किया है जो तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है अतः कथन तीन सही है अगला प्रश्न है सरकारी घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के मध्य का अंतर है दो प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटे के समान होता है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को सरकारी घाटे प्रभावी राजस्व घाटा या पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के मध्य का अंतर है सार्वजनिक व्यय संबंधी रंगराजन समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का सुझाव दिया गया है अतः कथन एक सही है प्राथमिक घाटा प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटे के समान होता है यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं और इसकी प्राप्तियों के मध्य अंतर को इंगित करता है अतः कथन दो सही है अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक भारत और पाकिस्तान ने 1960 में विश्व बैंक के साथ आई पर हस्ताक्षर किए थे दो आई एक तीन चरणी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है जिसके तहत स्थायी सिंधु आयोग में दोनों पक्षों के प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों डी न तो एक और न ही दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की वार्ता के बाद सितंबर 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किए जिसमें विश्व बैंक भी समझौते पर हस्ताक्षर करता था कथन एक सही है यह संधि सिंधु नदी और उसकी पांच सहायक नदियों सतलज ब्याज, रावी झेलम एवं चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है आई सिंधु जल संधि के अनुच्छेद नौ के तहत एक तीन चरणीय वार्ता समाधान तंत्र प्रदान करता है जिसके तहत स्थायी सिंधु आयोग में दोनों पक्षों के प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है अतः कथन सही है। अगला है। अगला प्रश्न अमेरिका संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक संयुक्त राज्य अमेरिका इसराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था दो संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष उन्नीस में इसराइल को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया तीन अब्राहम समझौते का उद्देश्य फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करना और वेस्ट बैंक की बस्तियों को अवैध घोषित करना था उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ए केवल एक बी केवल दो सी केवल दो और तीन डी एक दो और तीन इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल एक और दो चले देखते हैं इसके विश्लेषण को अमेरिका इसराइल संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका चौदह मई उन्नीस को इसराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था बता दें कि इसी तारीख को राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इसराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद मान्यता का एक बयान जारी किया था अत कथन एक सही है अमेरिका ने वर्ष उन्नीस में इसराइल को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया अत कथन दो सही है सितंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात बहरीन और इसराइल के बीच अब्राहम समझौते में मध्यस्थता की इन अरब खाड़ी राज्यों एवं इसराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का वादा किया तत्पश्चात यह मान लिया गया कि फिलिस्तीनी संघर्ष को हल किए बिना अरब-इज़राइल संघर्ष को हल एक मानो पशु को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दो एक बार जब समस्या को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया जाता है तो इससे निपटने की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर आ जाती है तीन राज्य विशिष्ट आपदा का प्रबंधन वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किया जाता है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ए केवल एक बी दो और तीन सी केवल तीन डी एक और दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक और दो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को मानव पशु संघर्ष केरल ने मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया अतः कथन एक सही है बता दें कि एक बार जब समस्या को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया जाता है तो इससे निपटने की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर आ जाती है अतः कथन दो सही है राज्य विशिष्ट आपदाओं का प्रबंधन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया जाता है ताकि त्वरित तथा अधिक निर्णायक कार्यवाही की जा सके अतः कथन तीन सही नहीं है वर्तमान में मानव पशु संघर्ष का प्रबंधन वन विभाग की जिम्मेदारी है जो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अनुसार कार्य करता है अगला प्रश्न है चांग चेनमो घाटी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है ए लद्दाख बी सिक्किम सी अरुणाचल प्रदेश डी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लद्दाख चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को चांग चेनमो घाटी चांग चेनमो जिसका तिब्बती भाषा में अर्थ है महान उत्तरी यह भारत की के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम रेंज और चांग चेनमो रेंज के बीच स्थित है चांग चेनमो क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अक्साई चीन के दक्षिणी किनारे के पास भारत चीन सीमा के करीब स्थित है चांग चेनमो नदी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है अतः विकल्प ए सही है तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट यानी ए ई -E आई आर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है ए न्यू डेवलपमेंट बैंक बी एशियन डेवलपमेंट बैंक सी विश्व बैंक डी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद डियो व्यूवर्स अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।